नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में टेंस यानी दोस्तों की काल, जिसे हिंदी में काल और समय बोलते हैं, कि संपूर्ण जो है प्रकार यानी कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से सब प्रकार होते हैं, सबको देखेंगे सभी सेंटेंस फॉर्मेट के साथ। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आसान टेंस से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो कि रोज़ बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं और रोज़ लिखते हैं। बिना टेंस के जो है पूरा ग्रामर या इंग्लिश का है अधूरा माना जाता है। तो आइए सीखते हैं। और देखिए अगर पिछले वीडियो पर जाना चाहे तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए यूट्यूब के सर्च में, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। देखिए राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जितने के जितने सेंटेंसेस होते हैं उसमें से अधिकांश जो है या मेजर कहा जाए तो वो टेंस पर ही बेस होते हैं, तो टेंस जानना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण टेंस को, टोटल जितने भी टाइप्स हैं सारे को मैं कवर करूंगा विद जो है शॉर्टकट ट्रिक के साथ कि कैसे सीखेंगे और बिल्कुल ही इजी स्टेप में ग्रामर के जो भारी भरकम रूल को छोड़ते हुए, लेकिन सब कुछ ही जो है प्रूफ और एक तरह से कहा जाए कि करेक्ट सभी चीज़ सभी सेंटेंस में आप एक्यूरेट देखेंगे, कहीं से कुछ नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आज से शुरू करते हैं टेंस। और देखिए आज इसी समय जो है आप रेगुलर बने रहिए, कुछ और समय से 10 से 15 20 मिनट के अंदर मैं आप पूरे के पूरे टेंस को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए टेंस के बारे में जान लेते हैं। टेंस इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसे काल बोलते हैं, ज़्यादातर लोग काल ही बोलते हैं टेंस के लिए, और इसे समय ही बोलते हैं, दूसरा नाम समय भी है। तो देखिए ये तीन तरह के होते हैं जो कि आप यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हैं। पहला है दोस्तों प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा है पास्ट टेंस, यानी कि हिंदी में इसे भूतकाल कहा जाता है। देखिए प्रेजेंट, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसे हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। वर्तमान काल का मतलब जो कि समय आप चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये वर्तमान काल है। और इसी को एक घंटे बाद आप कहेंगे कि हाँ मैंने वीडियो देखा था, तो वो भूतकाल में आपने इस वीडियो को देखा था एक घंटे बाद। जबकि इसी वीडियो को आप आगे कल किसी और के लिए देखने के लिए कह दें कि अरे देख लीजिए, यह जो है बहुत ही शॉर्टकट में दिया गया और बहुत सारे के सारे टेंस को यहीं समाप्त किया गया, तो वो भविष्य काल हो जाएगा, वो जो काम होगा वो भविष्य काल में होगा। तो ये टेंस का परिचय था जो कि बहुत ही जेन्युइन था। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों, एक सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आप देखेंगे टेंस के, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप्स होंगे सब टाइप्स, पास्ट टेंस के भी चार सब टाइप्स होंगे, फ्यूचर टेंस के भी चार सब टाइप्स होंगे। तो आइए देखते हैं उनका क्या क्या नाम है। तो देखिए जो चार सब टाइप्स हैं वो तीनों में काम करेंगे सेम टू सेम, यानी कि तीनों तीनों के लिए जो है ये सेम टू सेम है। तो पहले सिर्फ लगा देना है वो पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो देखिए ये इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये काम जो है कि वर्तमान में चल रहा है, ये जो है दोस्तों इंडेफिनिट में जो चलता है और जो चलते रहता है वो है मतलब चल रहा है वर्तमान में ही, तो कंटिन्यूस होता है। जो चल चुका है, जो काम हो गया है परफेक्ट का है, और जो काम हो रहा है ठीक है होते रहा है और पास्ट में इस तरह से, तो वो क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए परफेक्ट को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, कई जगह आपको जानने को मिलेगा कि इम्परफेक्ट, तो वहाँ घबराने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ परफेक्ट शब्द है यानी वर्ड है, यहाँ परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट है, तो इम्परफेक्ट भी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद टेंस का, अगर आप टेंस के बारे में अगर सब सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बिना दोस्तों वर्ब जो कि टेंस के लिए होता है उसके बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्लाइड में। तो देखिए ये जो है प्रेजेंट है और ये है पास्ट और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है। इसके प्रेजेंट को भी वन बोलते हैं यानी वर्ब वन, पास्ट को जो बोलते हैं दोस्तों भी टू, और पास्ट पार्टिसिपल को भी थ्री। इसके बाद पास्ट जो है इसके बाद भी होता है जो कि भी फोर होता है, जिसमें एनजी जुड़ता है। तो खैर यहाँ देखिए प्रेजेंट में जैसे गो है तो इसका पास्ट हो जाता है वेंट, और इसी का पास्ट पार्टिसिपल गॉन हो जाता है, जो कि मुख्य रूप से यहाँ इस्तेमाल होता है टेंस में। और इसके बिना जो टेंस का कोई भी सेंटेंस आप बना नहीं सकेंगे। अगर प्रेजेंट का तो मान लीजिए प्रेजेंट टेंस का सारा बना लेंगे, लेकिन पास्ट में अगर आपको प्रेजेंट का पास्ट याद नहीं रहेगा तो वो पास्ट टेंस का कोई भी आप सब टाइप्स नहीं बना पाएंगे, और ना ही उससे रिलेटेड जो आगे फ्यूचर में आएगा वो भी नहीं बना पाएंगे। प्रेजेंट का भी
प्रेजेंट का भी एक सेंटेंस जो है टाइप से वो भी नहीं बना पाएंगे इसके बिना। तो ये तीनों तीनों याद होने का होना बहुत जरूरी है। तो इसका बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा था पहले ही। तो खैर ये आपने देख लिया क्या क्या है, गो वेंट गॉन, इट एट इटेन, कम केम, वापस कम, डू डिड डन, सी सॉ सीन, क्राई क्राइड क्राइड, वर्क वर्क वर्क, सारे बहुत सारे अधिकांश जो है भर में ईडी लग के जो है बन जाता है। दोस्तों ये एक सब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट को आप याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं या कहाँ सेट करेंगे इसे, तो इसे याद रखिए। एक सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर है, तो आई है आई आई, ये देखिए आई वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यू यू को बोलते हैं दोस्तों सेकेंड पर्सन, बाकी के सारे जो है थर्ड पर्सन है। अब क्या क्या होगा ये याद रखना, ये दोनों फर्स्ट सेकेंड और ये फर्स्ट सेकेंड है, ये थर्ड पर्सन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से सारे और इसके नीचे के जितने भी सारे है थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बात समझ रहे होंगे आप। तो क्या होता है कि थर्ड पर यहाँ जो टेंस में होता है थर्ड पर्सन में आकर रूल रेगुलेशन बदल जाता है, जबकि कभी कभी आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में भी बदलता है, लेकिन जनरली ये इसको छोड़कर ये चारों में एक जैसे रहते हैं, बाकी थर्ड पर्सन में थोड़ा चेंज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में विशेष रूप से नियम लागू होता है, बाकी सेम टू सेम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ये देखिए इधर का सारा प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल भी सेम टू सेम एक ही रूल रेगुलेशन में काम करते हैं। इस बात को आगे आप देखेंगे अच्छे तरह से। देखिए प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को मैं यहाँ लूँगा जो कि वर्तमान काल इसे हिंदी में कहते हैं, और ये देखिए इसका भी इनडिफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, चार जो सब टाइप्स हैं, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसे इम्परफेक्ट टेंस या इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। ये तो प्रकार था, इसे याद रखें बहुत ही ध्यानपूर्वक ताकि आप कभी मिस नहीं करें। तो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में ऐसे ही इस प्रकार रहते हैं, लेकिन फिर भी बताना बहुत जरूरी है आपके लिए ताकि आप अच्छे से सीख समझ सकें। देखिए अब इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रेजेंट टेंस में वर्तमान जो कि वर्तमान काल करते हैं, पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जैसा कि आपने ऊपर वाले स्लाइड में देखा, जिसमें पहचान है, अगर हिंदी अगर पढ़ते हिंदी में नॉलेज है आपका तो आप समझ सकते हैं कोई ऐसा वाक्य जिसमें ता है, ता हूँ, ते है या करता हूँ, जैसे कि अगर जाना का वर्ड लेता मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, वह जाता है, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाया करते हैं या वह जाया करता है, इस तरह के वाक्य बनते हैं। तो खैर क्या होगा, ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक क्या सब जगह ऐसा ही आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं सारे का सारा एक ही बार में समझा देने का प्रयास करूँगा। देखिए सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको दिखाया था सिंगुलर प्लूरल वाला पिछले स्लाइड में, तो वो सब्जेक्ट ये है दोस्तों, वहाँ पर ये लेंगे। अब वर्ब जो उसके बाद मैंने बोला था टेंस का वर्ब क्या होगा, तो भी वन, जैसे कि आप यहाँ समझ रहे होंगे गो है, गो का होता है गो लेंगे, वेंट होता है वेंट, और उसके बाद गॉन, तो यहाँ पर क्या करेंगे गो लेंगे, ठीक है गो वाला लेंगे, भी वन लेंगे, और ऑब्जेक्ट आप जो जोड़ते हैं वो खैर आगे की बात है। तो खैर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, उसके बाद यानी कि प्रेजेंट रहेगा, वर्ब का प्रेजेंट रूप, थर्ड पर्सन आएगा, जहाँ ही से स्टार्ट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, खाली जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सारे में ही से इट वगैरह जो कि उसको याद रखना बहुत जरूरी, वहाँ क्या होगा उस वर्ब में अगर कोई वर्ड जैसे कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा, वहाँ पर एस या ई एस जोड़ेंगे। वर्ब में जो भी वर्ड होगा जैसे कि गो होता है, तो गो में क्या होता है ओ है, वो आ गया, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे एस ई एस लगा देंगे। अगर नहीं रहेगा ये वॉवेल नहीं रहेगा तो वहाँ पर ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल एस से काम चला लेंगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा डू, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ डज रहेगा, बाकी सारे की जगह यानी जैसा कि मैंने बताया आई वी यू यू, जैसा कि आप स्लाइड को याद रखना होगा सब्जेक्ट वाले को, वहाँ पर डू लगा, डू सारे जगह डू, खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगेगा, बाकी नॉट, फिर भर वन हो जाएगा। यहाँ एग्जांपल भी आप देखेंगे तो जैसे कि अफर्मेटिव है, देखिए आई गो, मैं जाता हूँ हिंदी हो जाएगा, इसका नेगेटिव जो है दोस्तों आई डू नॉट गो, तो आई के साथ डू लगेगा, मैं नहीं जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ही को लिया है, तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो ही डज ही गो हो जाएगा, अगर ये रहता अगर इसका अफर्मेटिव लेते तो बोलते दोस्तों ही गोज, ठीक है ही गोज मतलब वह जाता है, ही डज नॉट गो फिर हो जाता है ही डजंट गो, तो इसी तरह इंट्रोगेटिव मैंने लिया है तो डज ही गो,
और इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज ही नॉट गो, हिंदी तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ भी क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, तो देखिए सिंपल सा बात है, इसके इंट्रोगेटिव के पहले और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पहले व्हाट डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जो कि 8 तरह के होते हैं, आप जानते होंगे व्हाट विच वेयर हु व्हेन हुज, ये सारे जो है वाई, तो ये सब डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, वो सब पहले लिख देने से क्वेश्चन बन जाते हैं। कि यू का यहाँ देखिए मैंने लिया है, तो व्हाट डू यू गो, यानी कि तुम क्या जाते हो, व्हाट डू यू गो। अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव इसका ले लेते हैं, व्हाट डू यू नॉट गो, तुम क्या नहीं जाते हो। तो ये हो गया दोस्तों प्रेजेंट इनडिफिनिट खत्म। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसका कंटिन्यूस बात करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस हेडिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें कोई शब्द कोई वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, लास्ट में रहता है हिंदी में, हिंदी वाक्य में। सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेट क्या है दोस्तों, तो सब्जेक्ट रहेगा जैसा कि आपने देखा, उसके बाद एम आर ई, एम जो लगता है तो आई के साथ लगता है, आर थर्ड पूरा प्लूरल वाला जितने भी सब्जेक्ट हैं प्लूरल में आर लगेंगे, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीज लगेंगे, और वर्ब जो रहता है जैसे गो है, मान लीजिए गो है, तो गो के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एन जी जुट जाएगा, तो हो जाएगा गोइंग। तो आप समझ रहे हैं गोइंग हो गया, अब सब जगह ऐसे ही होगा जैसे आई एम गोइंग, एग्जाम्पल आप देख लेंगे। तो खैर नेगेटिव अगर बनाएंगे तो क्या होगा कि सब्जेक्ट एम आर इज प्लस उसके बाद नॉट जोड़ देंगे और आई वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे, जैसे गोइंग, कमिंग, डांसिंग वगैरह। अब देखिए इसका चार टाइप्स होते हैं, इसका मैंने लिया अलग अलग तरह से। तो अफर्मेटिव जैसे आई के साथ एम मैंने बताया था, तो आई एम अब जो प्लेइंग कर ले रहा हूँ, प्ले का मैंने लिया था, प्ले प्लस इंग, तो प्लेइंग हो गया, मैं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। इसका नेगेटिव है देखिए यू मैंने यहाँ लिया है, तो यू आर नॉट प्लेइंग, यू के साथ आर लगता है और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही, और प्ले के साथ प्लेइंग, प्ले प्लस इंग तो होगा प्लेइंग, मैं तुम नहीं खेल रहे हो। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि ही मैंने लिया है, तो इज ही जो कि उल्टा होता है, तो इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, तो प्ले के साथ आई एन जी जुटा तो प्लेइंग हो गया, इज के साथ ही जुटेगा, इज के जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों इज ही प्लेइंग। अब देखिए नेगेटिव बनाया, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लीजिए, इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, तो इज ही हो गया, यहाँ पर नॉट आ गया ही के बाद, और प्ले प्लस इंग हो गया, तो इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है। समय देखिए रहा है, रहे हो, रहा है, रहे, रहा है, इस तरह के होंगे। उसके बाद देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन रखते हैं, जैसे व्हाट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ, तो व्हाट के पहले जो सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इंट्रोगेटिव रहता है, यहाँ पर जोड़ते हैं तो व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है, इस तरह से हो जाता। अब देखिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं, व्हाट एम आई नॉट प्लेइंग, मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है कंप्लीट। अब देखिए तीसरा जो है प्रेजेंट टेंस का जो है तीसरा जो सब टाइप्स है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसके अंत में जो है वाक्य के अंत, हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे गया हूँ, अगर या हूँ, या हूँ, या है, ये है, चुका हूँ, चुके हो, चुके हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जाना सिविल होता, तो गया हूँ, गया है, गए हैं, जा चुके हैं, जा चुके हो, जा चुके हैं, इस तरह से हो जाता। अब देखिए इसका क्या है सेंटेंस फॉर्मेट, तो सिंपल है, सब्जेक्ट जो कि मैंने बताया था आपको शुरू में ही सिंगुलर प्लूरल, उसके बाद हैव लगाएंगे, तो हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगेगा, बाकी सभी जगह हैव लगेगा, यानी कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, यू के साथ, और प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल में पूरा जो है, यानी कि प्लूरल साइड में सब जगह हैव ही लगेगा। वी थ्री क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि गो के बाद वेंट, और वेंट के बाद गॉन, तो ये पूरा जो है इसका लिस्ट याद करना होगा आपको, तभी तरह तरह के जो वर्ड मीनिंग आप लगा पाएंगे सेंटेंस बनाए। तो ये गॉन जुटेगा, जो कि भी थ्री ये है, तो गॉन होगा, जैसे कम, केम, कम, इस तरह से लाफ, 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 क्राई, क्राई, क्राइड, तो लास्ट वाला यानी भी थ्री ही जोड़ना है, भी थ्री यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए इसके बाद नेगेटिव कैसे बनेगा इसमें, तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसका नॉट जोड़ देंगे, फिर भी थ्री यानी कि गॉन रहेगा। सब वाक्य देखिए, वाक्य के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव अ, आई के साथ तो हैव लगता है, आप तो समझते हैं आई के साथ हैव लगता है, इसलिए
हैव लगा, अब गॉन भी थ्री है, तो ये अफर्मेटिव था मैं गया हूँ। नेगेटिव में क्या हो दोस्तों, यू मैंने लिया है सब्जेक्ट, तो यू के साथ भी हैव लगता है, तो नॉट लग जाएगा नेगेटिव में। यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए हो। उसके बाद इंट्रोगेटिव में देखिए, अगर ही मैंने सब्जेक्ट लिया तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हैज पहले आ गया, तो हैज ही गॉन, यानी कि क्या वह गया है। अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव लेंगे तो हैज ही नॉट गॉन, तो थर्ड, जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ हैज लगता है, बाकी कहीं नहीं। तो वो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में स्पेशल रूल काम करता है, प्रेजेंट में खासकर, और भी कई जगह, लेकिन ध्यान रखेंगे। अब देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो यहाँ पर जो है दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आठ तरह के जो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोलते हैं, उसे पहले रख देते हैं, वो बन जाते हैं। जैसे कि व्हाट हैव आई गॉन, मैं क्या गया हूँ, सिंपल तरीका, इसका नेगेटिव बनाएंगे, व्हाट हैव आई नॉट गॉन, मैं क्या नहीं गया हूँ। तो ये है दोस्तों तरीका। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर मैंने थर्ड जो है तीसरा कंप्लीट किया, चौथे पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो ये टाइटल है, हेडिंग वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, ये रहा चौथा रूप यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट, इसे इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। अब जैसे जैसे इसका अंत किसी भी हिंदी वाक्य में ता आ रहा हूँ, ता आ रहे हैं, यानी बहुत दिन से कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैं खाता आ रहा हूँ, मैं जाता आ रहा हूँ, मैं जाते, वह जाता, वे जाते आ रहे हैं, तो इस तरह के हो जाते हैं वाक्य हिंदी में अगर, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेट क्या है। तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आई वी यू यू ही सी इट वगैरह, और प्लूरल का दे वगैरह, तो ये सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, यानी देखिए हैव बीन और हैज बीन, तो हैज बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगेगा, बाकी सभी जगह हैव बीन लगेगा। इतना बात याद रखिएगा कि हैज बीन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही सी ईट वगैरह जो होता है, दिस नाम किसी का, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके तो हैज बीन, बाकी सभी जगह हैव बीन लगाएंगे। तो भी यानी कि गो रहेगा, तो गो में जो है आई एन जी जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने कंटिन्यूस में जोड़ा था गो प्लस आई एन जी, ठीक है, तो ये जगह गोइंग हो जाएगा, या कमिंग, डांसिंग, रनिंग, जो भी कर, जो भी वर्ड लें आप। तो देखिए नेगेटिव बनेगा सिंपल, सब्जेक्ट हैव बीन, हैव बीन या हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएं, फिर भी प्लस यानी वर्ब प्रेजेंट प्लस आई एन जी जोड़ देंगे, तो इस नेगेटिव बन जाएगा। देखेंगे टाइप्स जो कि कैसे बनते हैं, बाकी एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे आई हैव अ गॉन, आई हैव गॉन, यहाँ पर थोड़ा सा, तो दोस्तों ये मैं जाता आ रहा हूँ, यानी कि वो काम जो है जाने का बहुत दिनों से हो रहा है, तो आई हैव बीन गोइंग, नेगेटिव अगर रहेगा तो यू यू हैव बीन, उसके साथ नॉट लगेगा, गो के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं, तुम नहीं जाते आ रहे हो। इंट्रोगेटिव रहेगा तो हैज ही उल्टा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हमेशा उल्टा बनता है, तो हैज पहले, चूँकि ही है इसलिए हैज लगा यहाँ पर, तो हैज ही बिन गोइंग, क्या वह जाता, क्या वह जाता रहा है या क्या वह जाता आ रहा है। इसका अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज ही नॉट बिन गोइंग, क्या वह नहीं जाता आ रहा है, यानी कि काम बहुत दिनों से हो रहा है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन इजी बनेगा इसी के इंट्रोगेटिव के पहले और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले, जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएंगे जैसे व्हाट है, व्हाट हैव आई बीन गोइंग, मैं क्या जाता रहा हूँ, जाता आ रहा हूँ, इसका नेगेटिव बनाएंगे, व्हाट हैव आई नॉट बीन गोइंग, मैं क्या नहीं जाता आ रहा हूँ। तो ये दोस्तों प्रेजेंट अभी इस समय जो है कंप्लीट हुआ, कोई शंका है, समाधान है, तो जरूर मुझसे पूछें। अब आइए आगे नेक्स्ट पास्ट टेंस पे चलते हैं। देखिए पास्ट टेंस का भी जो है दोस्तों, जिसे भूतकाल बोलते हैं, पास्ट टेंस का भी चार टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए पहला जो है पास्ट टेंस के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चार फॉर्म होते हैं, चार इसके यानी सब फॉर्म होते हैं, जो कि डिटेल में मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप समझेंगे, नहीं तो सिंपल में तो एक ही पास्ट इंडेफिनिट होता है, अब जैसा कि आप जानते होंगे। तो यहाँ पर फॉर्म वन है, जैसे जिसमें ऐसे वाक्य जैसे जाता था, जाया करता था, जाते थे, गया था, तो ये क्या है दोस्तों कि हिंदी वाक्य के अंत में रहते हैं, अगर आप हिंदी ज़्यादा समझते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस को पकड़ते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुरू शुरू में जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए इस तरह के बहुत ही दिक्कतें होती हैं,
खासकर पास्ट टेंस में आकर। तो खैर कोई बात नहीं है, कहीं से भी आप सेंटेंस फॉर्मेट को पकड़ के चले। देखिए अफर्मेटिव में क्या होगा दोस्तों कि सब्जेक्ट होगा प्लस भी सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल वाला, और भी टू। अब भी टू का मतलब है दोस्तों क्या, जैसे कि मान लीजिए गो है तो गो का पास्ट हो जाएगा वेंट, और वेंट तो यही वेंट जो है दोस्तों भी टू को मैंने या आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद गॉन होता है तो गॉन को यहाँ पर नहीं लेना है, पास्ट रूप लेना है वर्ब का, यानी कि भी टू जिसे बोलते हैं हम लोग, ये भी वन है और ये भी थ्री है, तो भी टू को लेना है, पास्ट फॉर्म को लेना है। तो ये हुआ। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो सब्जेक्ट रहता है उसके बाद जैसा कि मैंने बताया भी टू। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि प्रेजेंट टेंस में मैंने जो है सब जगह जो है डू लगा था, या थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज, लेकिन यहाँ पर ना डू न डज कुछ नहीं लगेगा, सभी के सभी जगह जो है दोस्तों डिड लगेगा, यानी कि नेगेटिव में, नेगेटिव वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में डिड लगेगा। और क्वेश्चन का फॉर्म जब रहेगा, क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले यानी क्वेश्चन रूप में भी डिड ही लगेगा, कहीं भी डू डज नहीं लगेगा, याद रखिएगा इस बात को। जो डू डज यहाँ पर डिड के रूप में बदल जाता है क्योंकि पास्ट है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे कि थिंक है, थिंक का होता है थिंक, थॉट थॉट, थिंक का पास्ट होता है थॉट, तो ये थिंक है, थिंक आप जानते हैं स्पेलिंग, थिंक का स्पेलिंग होता है टी एच आई एन के, थिंक, ये थॉट है, उसका भी थॉट है, तो पास्ट यानी भी रूप है, ये भी टू है। मैं सोचा करता था, मैं, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इसका नेगेटिव देखेंगे, आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट थिंक, वापस आई, जब भी टू, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि अफर्मेटिव में भी टू जहाँ लगता है, वही जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं या क्वेश्चन करेंगे इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जोड़कर, तो वहाँ जो है थॉट नहीं लिखेंगे, थॉट सिर्फ अफर्मेटिव में, बाकी सभी जगह जो है थिंक ही लिखना होगा, यानी कि भी वन ही आ जाता है। यानी पास्ट में भी ये बहुत बड़ा रूल है कि अफर्मेटिव में सिर्फ भी टू लगेगा, बाकी सभी जगह उसके जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, सारे जो है सेंटेंस में जो है भी वन ही आ जाता है वापस। तो लेकिन इंग्लिश इसे पास्ट का ही माना जाएगा, और हिंदी भी जो है पास्ट ही रहेगा। मैं नहीं सोचा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नहीं सोचता हूँ, ये नहीं हो जाएगा, और ये नहीं समझ रहा आई डिड नॉट थिंक, ये डिड ही बताएगा आपको कि दोस्तों कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है। अब देखिए इंट्रोगेटिव है दोस्तों, डिड आई थिंक, ऐसी सी बात है, डिड पहले, डिड आई थिंक, क्या मैं सोचा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है डिड आई नॉट थिंक, मैं क्या मैं नहीं सोचा, क्या मैंने सोचता था, इस तरह से। अब देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो व्हाट डिड आई थिंक, व्हाट डिड आई थिंक, मैं क्या सोचा। नेगेटिव बनाना होगा तो बहुत सिंपल है, व्हाट डिड आई नॉट, आई के बाद नॉट ला जाएगा, व्हाट डिड आई नॉट थिंक, मैं क्या नहीं सोचा या सोचता था, सोचा करता था, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों पास्ट फॉर्म वन, पास्ट इंडिपेंडेंट का फॉर्म नंबर वन। अब देखिए इसके फॉर्म नंबर टू पे चलते हैं, देखिए फॉर्म नंबर टू है पास्ट इंडिपेंडेंट का फॉर्म नंबर टू, ध्यान रखिएगा, जाता था, जाया करता था, जाते थे, गया था। देखिए यहाँ पर क्या लगेंगे कि सब्जेक्ट तो रहेगा ही, जैसा कि आई वी आपने जाना था, आई वी नीचे था यू, ठीक है, यू इस तरह से था जो आप मैंने आपको बताया, तो सब्जेक्ट प्लस उड लगेगा, उड फिर भी वन लगेगा, भी वन का मतलब है दोस्तों गो वाला लेंगे, भी वन का मतलब गो, प्रेजेंट वाला जो है वर्ब लेंगे, वेंट और पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। तो फॉर्म टू में उड के साथ हमेशा भी वन लगता है, गो, कम, डांस, लाफ वगैरह वगैरह, जो भी आप जितने भी आप जानते हैं वो सब लगा लीजिए यहाँ पर। लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा ही उड कहीं लग जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि दोस्तों कि वो पास्ट का है, ठीक है। तो सब ये है अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, जो कि सेंटेंस के चार टाइप्स होते हैं आप जानते ही हैं, सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सभी में पास्ट जो है, सभी में जो है पास्ट उड का प्रयोग करना होगा, कहीं भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए कैसे कैसे जो टाइप्स हैं ये देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे अफर्मेटिव में आई वुड थिंक, यहाँ आई वुड थॉट नहीं मैंने लिखा, क्योंकि भी वन ही लिखना है फॉर्म टू में, तो उड का मतलब ही पास्ट होता है, मैं सोचा था। उसके बाद देखिए आई वुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचा था, वुड आई थिंक,
क्या मैं सोचा था, वुड आई नॉट थिंक, क्या मैं नहीं सोचा था, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा दोस्तों, व्हाट वुड आई थिंक, मैं क्या सोचा था, नेगेटिव बनाएंगे, व्हाट वुड आई नॉट थिंक, मैं क्या नहीं सोचा था। दोस्तों ये था दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट के तहत, फॉर्म नंबर टू। अब इसके थर्ड पे चलते हैं और तीसरा देखते हैं तरीका, जो क्या फॉर्म नंबर थ्री क्या है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म नंबर थ्री। वाक्य वैसे ही रहेंगे लेकिन यहाँ वाक्य कैसे बनेंगे इस पे देखेंगे। यहाँ क्या है, इसमें क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ जो है, सब्जेक्ट तो जैसा आई वी यू वगैरह है, आई वी यू ही सी इट दे, तो सब्जेक्ट वही रहेगा। वुड के साथ जो है दोस्तों हैव लगेगा, आप वुड के साथ वुड हैव, फिर माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये सब लगेगा। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि भी थ्री लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि गो है, गो का होता है वेंट, और वेंट का क्या होता है गॉन, तो ये हो जाए। तो यहाँ पर कभी भी ध्यान देंगे कि यानी बहुत तीन नंबर में अगर वुड माइट कुड शुड से रिलेटेड कोई सेंटेंस रहेगा, वहाँ पर सभी जगह हैव लगेगा। देखिए हैव लगेगा सभी जगह, इस बात को ध्यान देंगे, सभी जगह हैव लगेगा, हैज कहीं भी नहीं लगेगा, वुड के साथ नहीं लगेगा, माइट के साथ नहीं लगेगा, तो ये सारे नहीं लगेगा यहाँ पर, तो वुड हैज ही होगा कभी भी, मतलब क्षमा करेंगे हैज नहीं होगा, वुड हैव ही होगा सब जगह। इस सेंटेंस से कुछ टाइप्स देख लेते हैं तो किस तरह के होते हैं वाक्य। जैसे आई वुड हैव थॉट, लेकिन भी थ्री है यहाँ पर ना, तो थिंक थॉट थॉट है, तो थिंक का जो है पास्ट होता है थॉट, तो ये थॉट था, तो ये थॉट, मैं नहीं सोचा, आई वुड हैव थॉट, मैं सोचा होता, सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, मैं सोचा होता। नेगेटिव हो जाएगा आई वुड नॉट हैव थॉट, मैं नहीं सोचा होता, वुड के बाद नॉट लगेगा, हैव हमेशा जो है भर्ब के साथ ही जुड़ा रहता है, साथ में रहता है, हमेशा याद रखिएगा है। यहाँ पर वुड आई हैव थॉट, मैं क्या मैं सोचा होता। उसके बाद वुड आई नॉट हैव थॉट, मैं क्या नहीं सोचा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि कहीं भी जो है थिंक का यानी भी वन का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वाला में कि अफर्मेटिव के बाद जो है नेगेटिव इंटोगेटिव, और नेगेटिव इंटोगेटिव में भी वन ही, भी वन यानी प्रेजेंट रूप ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, सभी जगह जो है भी थ्री का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि लिस्ट में आपने शुरू में ही देखा होगा। तो क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं, व्हाट वुड आई नॉट हैव थॉट, तो हिंदी उसी के अनुसार इसका हो जाएगा मैं क्या सोचा होता, और अगर नॉट लगा लेते तो मैं क्या नहीं सोचा होता। तो दोस्तों ये तीसरा टाइप था पास्ट इंडेफिनिट का। आप चौथे पे चलते हैं, चौथा है पास्ट टेंस जो भूतकाल है, इसका चौथा रूप है दोस्तों फॉर्म नंबर चार, बहुत ईजी, जाता था, जाया करता था। तो इस फॉर्म का सिर्फ जो है अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि नहीं होगा इंटोगेटिव, नहीं होगा नेगेटिव इंटोगेटिव, यानी इससे क्वेश्चन भी नहीं होगा। अब देख कैसे क्या वाक्य बनेंगे, जब जो है वाक्य के द्वारा रेगुलरली यानी नियमित, यानी कोई काम जो रेगुलर हो रहा है, नियत समय पर हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, ऐसा बोध कराता है, तो इस फॉर्म का प्रयोग लोग करते हैं। जैसे कि हर रोज एवरी डे, हर सुबह एवरी मॉर्निंग, हर शाम एवरी इवनिंग, हर रविवार एवरी संडे, हर मंथ पर मंथ या एवरी मंथ 10 तारीख, या प्रति माह एवरी मंथ, प्रति साल एवरी ईयर, हर होली एवरी होली, हर दुर्गा पूजा एवरी दुर्गा पूजा, तो इस तरह के जो है अगर वाक्य के द्वारा रेगुलरिटी जब बोध हो कोई वाक्य सेंटेंस से, तो वहाँ पर जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस बनेंगे। वो सेंटेंस कौन सा होता है, कैसे बनेंगे ये देख लिए। तो अफर्मेटिव में यूज टू लगाएंगे और भी वन रहेगा, ठीक है, भी वन, आई यूज टू थिंक, ये जो रहेगा भी वन रहेगा, टू के बाद जो रहेगा भी वन हो जाएगा, मैं सोचा। अगर नेगेटिव होगा इसका दोस्तों, तो आई यूज नॉट टू थिंक, तो टू वगैरह, टू गो, टू थिंक, टू डांस, टू लाफ, टू क्राई, इस तरह, मैं नहीं सोचता था, मैं नहीं सोचा। तो ये था दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का जो है चौथा। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कंटिन्यूस बात करेंगे, जो कि आप आगे देखेंगे। तो ये है दोस्तों पास्ट टेंस का जो है
हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और ये पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो काम रेगुलर पास्ट में हो रहा था, यानी रेगुलर हो ही रहा था, वो काम चल रहा था ऐसा। तो जैसे जिसमें वाक्य, जिस वाक्य में, जिसे हिंदी के वाक्य में रहा था, रहे थे वगैरह रहते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या होगा, उसका सेंटेंस फॉर्मेट क्या है, ये देख लीजिए। तो सब्जेक्ट रहेगा, जो कि सब्जेक्ट चार्ट के अनुसार रहेंगे, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार जो है वाज वेयर का इस्तेमाल होगा। तो वाज कहाँ लगता है ये याद रखिए दोस्तों, आई के साथ लगेगा वाज। उसके बाद दोस्तों यू के सिंगुलर या प्लूरल, नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही के साथ, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सिर्फ साथ वाज लगेगा, बाकी सभी जगह वेयर लगेगा। जैसे कि यू दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगेगा वाज, और प्लूरल के सभी तरह, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में वर का इस्तेमाल, यानी वेयर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब रहेगा भी वन, जिस मान लीजिए गो है, तो गो में आईएनजी जोड़ देकर जो है गोइंग कर देंगे, कम में कमिंग कर देंगे, डांस में डांसिंग कर देंगे, तो इस तरह के लगेंगे। तो देखिए कंटिन्यूअस में आईएनजी जुटता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट में सर वाज वेयर रहता है, और उसका नॉट लगाएंगे, फिर आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, जो कि भी फोर होता है एक्चुअली। अब देखिए अब इसका प्रकार देख लीजिए, मतलब कैसे कैसे वाक्य होंगे ये देखिए, कैसे किस तरह के। तो आई वाज गोइंग, तो वाज तो रहेगा ही, वाज वेयर रहेगा, और जो भी वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, हिंदी में आई वाज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। वाज ही, वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। वाज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था। और इसके बाद जो होगा दोस्तों, वॉट, ये क्वेश्चन है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन, वॉट वॉज आई गोइंग, मैं क्या जा रहा था। अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका तो वॉट वॉज आई नॉट गोइंग, मैं क्या नहीं जा रहा था। देखिए अगर वर का इस्तेमाल करते तो यू के साथ या दे के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ, वी वर गोइंग, वी वर नॉट गोइंग, वर वी गोइंग, वर वी नॉट गोइंग, वर वी वट वर वी गोइंग, वट वर वी नॉट गोइंग। तो ये लगेगा वर कहाँ, आप तो मैंने बताया ही कि फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सभी जगह वर का इस्तेमाल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट में चलते हैं, और ये रहा पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों पास्ट टेंस ये हेडिंग है भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य किस तरह के होंगे, किसी भी हिंदी वाक्य में चुका था, जा चुका था, या चुके थे, या गया था, गए थे, यानी कि एक्चुअली ये थे, चुके थे वगैरह वगैरह। अगर मान लीजिए जाना का, गो का लेते हैं, तो जा चुका था, गए गए थे, इस तरह के। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस्तेमाल भी थ्री का इस्तेमाल करेंगे। खैर यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट रहेगा, और सभी जगह प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या किया कि हैव और हैज का इस्तेमाल किया था, ठीक हैव का और हैज का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर सभी जगह इसी के लिए जो है दोस्तों हैड का इस्तेमाल होगा। कहीं भी हैज हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सभी जगह हैड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है। और जैसे गो है, गो भी वन है, गो के बाद वेंट, और वेंट के बाद जो है दोस्तों गॉन, तो ये गॉन जो है गॉन का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, या भी थ्री जो समझ सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे हैड के साथ। नेगेटिव कैसे बनेगा ये देख लीजिए, नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, सिंपल तरीके से कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के बाद नॉट जोड़ देंगे, फिर भी थ्री जोड़ देंगे। कुछ वाक्य देख लेते हैं, जैसे अफर्मेटिव का आई हैड गॉन, मैं गया था, जा चुका था, जा चुका था। देखिए नेगेटिव बनाएंगे इसका, आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका था। डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाएंगे, वॉट हैड आई गॉन, मैं क्या जा चुका था। वॉट हैड आई नॉट गॉन, मैं क्या नहीं जा चुका था। तो ये हो जाता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप देखिए पास्ट टेंस के जो है चौथा रूप देखिए, थर्ड, पास्ट भूतकाल, पास्ट टेंस एंड भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जाता आ रहा था, जो काम बहुत दिनों से पास्ट में यानी कि भूतकाल में हो रहा था, हो रहा था, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और देखिए कैसे फॉर्मेट रहते हैं सब्जेक्ट, उसका हैड बिन, यहाँ पर हैव तो हैगा ही नहीं, हैव ना रहेगा ना हैज रहेगा, सभी जगह हैड होगा होता है, और उसके साथ बिन लगा दिए, सिंपल तरीके से भी वन और आई एन जी, यानी कि गो
अगर रहता है तो गोइंग हो जाएगा, अगर डांस रहेगा तो डांसिंग। सभी जगह भर में यानी प्रेजेंट में भी वन में आईएनजी जोड़ देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल तरीका दोस्तों, हैड सब्जेक्ट हैड उसको नॉट लगा देंगे, उसके बाद बिन और भर वन यानी कि भी फोर हो जाएगा, भर यानी गोइंग के साथ भर प्लस आईएनजी हो जाएगा विन के साथ, जो कि साथ मैंने बताया था विन हमेशा वर्ब के साथ जुड़ा रहता है। जैसे ये सेंटेंस से आप समझ सकते हैं, आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता आ रहा था। आई हैड नेगेटिव है, आई हैड नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता आ रहा था। हैड आई बीन गोइंग, क्या मैं जाता आ रहा था, नेगेटिव इंटोगेटिव हो जाता है दोस्तों। हैड आई नॉट बीन गोइंग, क्या मैं नहीं जाता आ रहा था। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉट हैड आई बिन गोइंग, मैं क्या जाता आ रहा था, या नेगेटिव इंटोगेटिव हो जाएगा कि नेगेटिव बनाएंगे तो वॉट हैड आई नॉट बिन गोइंग, क्या मैं क्या नहीं जाता आ रहा था। तो दोस्तों ये यहाँ पर समाप्त हुआ पास्ट टेंस। अब फ्यूचर टेंस में चलते हैं, और फ्यूचर टेंस का दोस्तों ये देखिए फ्यूचर टेंस है, इसके भी चार सब टाइप्स होते हैं, इनडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे इम्परफेक्ट बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार है। पहला पे चलते हैं फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस का जो है ये हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं, फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस, जिसमें ऐसे वाक्य हिंदी को ऐसे वाक्य जिसमें गा एगा एंगे रहते हैं लास्ट में, जैसे कि खाएगा जाएगा खाएंगे ठीक है सोएगा रोएगा, तो ये जो है लास्ट में रहता है गागे गागेगी वगैरह, आप समझ सकते हैं हिंदी के, लेकिन खैर नहीं भी समझ से कोई बात नहीं है। देखिए सब जो सेंटेंस फॉर्मेट है ये सब्जेक्ट रहेगा, सेल लगाएंगे विल लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे भी वन जो कि गो रहेगा यानी प्रेजेंट वन प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट का वर्ब रहेगा। तो सेल जो है दोस्तों ज़्यादातर आई वी के साथ लोग यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन में यूज़ करते हैं ठीक है। सेल जो हमेशा अधिकांश लोग जो है आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, ऐसा मतलब प्रचलन है, कोई ज़रूरी नहीं आप सेल भी यूज़ कर सकते हैं विल भी यूज़ कर सकते हैं सभी जगह। तो खैर ये है और कि सेल इस्तेमाल आई वी के साथ करिए, बाकी कहीं भी विल का इस्तेमाल सभी जगह विल का कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव बनाते समय क्या करना है कि सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, फिर वी वन यानी गो 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 डांस लाफ क्राई वगैरह जो भी है, आप जो ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार भर आप लिख सकते हैं सिंपल वी वन यानी प्रेजेंट में। देखिए वाक्य कैसे बनेंगे, तो आई विल गो मैं जाऊंगा, आई विल गो मैं जाऊंगा, फिर आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, देखिए सब में गागा है, विल आई गो क्या मैं जाऊंगा, विल आई नॉट गो मैं क्या मैं नहीं जाऊंगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट विल आई गो मैं क्या जाऊंगा, और नेगेटिव इसी का नेगेटिव व्हाट विल आई नॉट गो मैं क्या नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों ये था फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, ही रहता तो ही विल गो ही विल नॉट गो विल ही नॉट गो व्हाट विल ही गो व्हाट विल ही नॉट गो, सिंपल सा है, कहीं कोई बदलाव नहीं, सब जगह विल, या आप सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अफर्मेटिव आई के साथ वीक के साथ, और कुछ जरूरी नहीं है बाध्यता नहीं है, तो आप विल भी सब जगह लगा लीजिए, सेल लगाइए आई वी के साथ ठीक है, और बाकी जगह विल लगाइए। तो चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद फ्यूचर टेंस जो है दूसरा टाइप्स देखते हैं, सब टाइप्स भविष्यकाल, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें ता रहूँगा ते रहेंगे वाले वाक्य होते हैं। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ सेल भी होगा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि सेल विल जो था उन दोनों के साथ जो है वी जुटेगा, वी मीन्स मैंने होना ठीक है, ये वी जुटेगा, ये वी को याद रखिएगा, सेल के साथ वी विल के साथ वी, उसका भर्व रहेगा उसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, जैसे गो रहता है मान लीजिए गो हम लेते हैं तो गो के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा, कम के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा, तो गोइंग कमिंग डांसिंग वगैरह हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव देखिए, नेगेटिव के नेगेटिव में जो है सब क्या होगा, सब्जेक्ट सेल विल उसके बाद नॉट रहेगा, वी जो है दोस्तों ये भर्व के साथ जुड़ेगा यानी आई एन जी वाले जो कमिंग डांसिंग रनिंग उसके साथ उसके पहले ही वी रहेगा, विल के बाद नहीं रहेगा नेगेटिव में से। देखिए सैम आप देख लीजिए कुछ एग्जांपल, जैसे अफर्मेटिव में आई विल बी प्लेइंग मैं खेलता रहूँगा, प्लेइंग मैंने लिया यहाँ पर, आई विल नॉट बी प्लेइंग आई विल नॉट, तो वी जो कि यहाँ पर प्लेइंग के साथ जुड़ गया है ना, मैं नहीं खेलता रहूँगा। इंट्रोगेटिव में है विल आई बी प्लेइंग क्या मैं खेलता रहूँगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल आई नॉट बी प्लेइंग क्या मैं नहीं खेलता रहूँगा। तो ये है दोस्तों
उसके बाद अगर बात की जाए डब्ल्यू एस क्वेश्चन की, तो वॉट विल वी आई, वॉट विल वी, तो ये दोस्तों यहाँ जो बी है, बी यहाँ नहीं जबकि बी यहाँ लिखें, ठीक है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक, तो वॉट विल आई बी प्लेइंग, मैं क्या खेलता रहूँगा। आप देखिए देखा नेगेटिव बनाएंगे तो वॉट विल आई नॉट बी प्लेइंग, मैं क्या नहीं खेलता रहूँगा। तो ये दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर कंप्लीट। अब देखिए बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, तो फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी जिसमें वैसे हिंदी वाक्य इसमें चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, जैसे खाया होगा, खाए होंगे, इस तरह के वाक्य होगा। तो जैसे अब इसमें सेंटेंस फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, सेल हैव, सेल के साथ हैव, विल के साथ हैव, कहीं भी दोस्तों हैज नहीं लगेगा, फ्यूचर में भी कहीं भी हैज नहीं लगेगा, याद रखिएगा हैज कहीं भी नहीं लगेगा, ठीक है, या हैड, फ्यूचर में हैड नहीं लगेगा, फ्यूचर में हैज नहीं लगेगा, तो हैज भी नहीं लगेगा और हैड भी नहीं लगेगा, तो ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे। तो सेल के साथ हैव, विल के साथ हैव होगा, भी थ्री होगा यानी कि गो वेंट के बाद गॉन जो होता है यानी भी थ्री ये होगा। तो जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट सेल विल होगा, फिर नॉट होगा, और हैव, हैव जो होगा दोस्तों ये होगा वर्ब के साथ यानी कि गॉन के साथ, या डांस के, डांस्ड, क्राइड, ठीक है, कम, केम, कम के साथ, तो भी थ्री के साथ हैव को जोड़ेंगे। अब देखिए प्रकार कुछ एग्जांपल्स हैं, अफर्मेटिव में आई विल हैव गॉन, मैं गया हूँगा, मैं जा चुका हूँगा। उसके बाद नेगेटिव में है आई विल नॉट हैव, देखिए गॉन के साथ है, मैं नहीं जा चुका हूँगा। इंट्रोगेटिव में विल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका हूँगा। नेगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है विल आई, विल आई नॉट हैव गॉन, मैं क्या मैं नहीं जा चुका हूँगा। इसके बाद देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बात की जाए, जिसमें एक मैंने वट लिया ही मैंने, वॉट विल आई हैव गॉन, नेगेटिव इसकी अगर नेगेटिव करना हो तो वॉट विल आई नॉट हैव गॉन, तो हिंदी उसी के अनुसार हो जाएगा, तो वॉट विल आई हैव गॉन का मैं क्या जा चुका हूँगा, और नेगेटिव रहता वॉट विल आई नॉट हैव गॉन, तो मैं क्या नहीं जा चुका हूँगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं चौथे फ्यूचर टेंस भविष्यकाल का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, या होंगे, ये होंगे, ये काम दोस्तों रेगुलर जो है भविष्य में चलता रहेगा, भविष्य में चलता रहेगा। हालांकि इस तरह के सेंटेंस लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि आपको बताना था इसलिए मैंने यहाँ पर बता देना, ज़्यादा सही समझा, लेकिन सेंटेंस ऐसे आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे बहुत ही रेयर वाक्य बोलते होंगे इस तरह के। तो खैर देखिए सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सेल के साथ हैव, सेल के साथ हैव, विल के साथ हैव तो रहेगा, दोनों के साथ बिन रहेगा, सेल हैव बिन, विल हैव बिन, अब जैसे भी लिखें। उसके बाद भी रहेगा, भी वन यानी कि गो रहेगा, तो उसमें एनी जोड़ दें, कम रहेगा तो कमिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर गो है तो गोइंग हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब देख इसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट सेल विल रहेगा, हैव लिखेंगे, उसके बाद विन लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और भी वन प्लस आई एन जी हो जाएगा, कमिंग, डांसिंग, रनिंग, गोइंग वगैरह, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए प्रकार देख लीजिए सेंटेंस कैसे कैसे होंगे, तो आई विल हैव बिन गोइंग एग्जाम्पल है, आई विल हैव बिन गोइंग, मैं जाता रहूँगा, जो कि बहुत दिनों से चलता रहेगा भविष्य में, ठीक है, फ्यूचर में चलता ही रहेगा। आई विल नॉट हैव बिन गोइंग, तो नॉट, विल के बाद ही नॉट लगेगा, हमेशा याद रखिएगा, मैं नहीं जाता रहूँगा, बहुत दिनों तक वो काम होता ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में विल आई हैव बिन गोइंग, क्या मैं जाता रहूँगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल आई नॉट हैव बिन गोइंग, क्या मैं नहीं जाता रहूँगा। दोस्तों ये था, अब इसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉट विल आई हैव बिन गोइंग, मैं क्या जाता रहूँगा, तो ये है इसका नेगेटिव बनाना होगा, तो वॉट विल आई नॉट हैव बिन गोइंग, मैं क्या नहीं जाता रहूँगा, जो कि बहुत काम होगा फ्यूचर में। तो दोस्तों ये था फ्यूचर टेंस कंप्लीट, मैंने किया विद इन 44 मिनट्स में, और मतलब 44 मिनट में आप टेंस आपने समाप्त कर लिया। इसे बार बार देखें, धीरे धीरे देखें, और कई बार देखने के बाद क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छी तरह से सारे टेंस का रूल रेगुलेशन एकदम जब सीख जाएंगे अच्छे से, तरह तरह के सेंटेंस बनाइए। डिटेल में देखना है तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए थे, समग्र वीडियोस का एक वीडियो मैंने यहाँ पर लिया। अब सोच लीजिए कि टोटल अगर होता भी तो दोस्तों 12 और 3 15 वीडियोस होते हैं, जो कि एक ही वीडियो मैंने कवर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक है, वीडियो कैसा लगा बताइए, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैंने सिर्फ फैक्ट्स बात पे
मैंने बात किया है, फैक्ट से बात किया है। तो वीडियो को पसंद है लाइक कीजिए ताकि और भी इंकरेजमेंट मिले, ताकि लोग पसंद करें और भी मैं इस तरह का वीडियो बना सकूं, लंबे लंबे वीडियो। तो दोस्तों खैर, चूंकि ये टाइम का रिक्वायरमेंट है, इससे कम समय में नहीं हो पा रहा था, नहीं तो मैं बहुत ही कम समझा पाता, तो इसीलिए ये लगा इतना समय। अब इससे भी कम समय में हो सकता है, 30 मिनट्स में भी या 20 मिनट्स में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आप डिटेल में नहीं समझ पाते कि क्या कुछ हो रहा है, स्लाइड चलते जाते हैं, बस जल्दी में कंप्लीट हो जाता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोग को जो कि ग्रामर और के बारे में जानना चाहते हैं या टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए दोस्तों आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।